गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी ए का रिजल्ट जारी हुआ था। एमपीपीएससी ए 2021 का रिजल्ट जारी हुआ था इंटरव्यू के लिए, और रिजल्ट में चेंजेस किए गए हैं। आज दिनांक आपका 30 नवंबर 2022 को रिजल्ट रिवाइज हुआ है। तो इनमें से किन कैंडिडेट का नाम ऐड हुआ है आप इस वीडियो में देख सकते हैं, साथ में आप ये देख सकते हैं किन कैंडिडेट का नाम हटाया गया है, डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो रिजल्ट जारी हुआ था 4 नवंबर 2022 को रिजल्ट जारी हुआ था। अब इन्होंने कहा है कि भैया कुछ परीक्षा परिणाम में कोई टेक्निकल इरर आ गई थी, तकनीकी त्रुटि बस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएफ के कैंडिडेट को फिर से शामिल नहीं किया गया था जो कि प्रोविजनल लिस्ट में थे। अब जो प्रोविजनल लिस्ट में स्टूडेंट थे उनमें से कुछ स्टूडेंट को मेन रिजल्ट के अंदर शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएफ के कितने पोस्ट थे। टोटल 41 पोस्ट थे जिसके लिए 156 कैंडिडेट को लिया गया था। लिखा है ना, पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। तो 156 कैंडिडेट को लिया गया है। अब जो आज रिजल्ट रिवाइज हुआ है उसमें 12 कैंडिडेट को और ऐड किया गया है। उनमें से 12 कौन कौन से कैंडिडेट है, ध्यान रखना, जो 12 कैंडिडेट है ये पहले आपके प्रोविजनल लिस्ट में थे जो कि अभी मेन रिजल्ट में ऐड किया गया है। अब देखिए ये जो आपके टेबल यहाँ पर दी हुई है, लिखा हुआ कि रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। इसमें से 12 रोल नंबर है, इनमें से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका भी रोल नंबर है, ठीक है, इनमें आप एक बार चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पास लिखा हुआ है स्टार मार्क करके, डिनोट कैंडिडेट क्वालिफाइड अर्लियर इन प्रोविजनल रिजल्ट बट नाउ एडेड इन मेन रिजल्ट, यानी पहले वो प्रोविजनल रिजल्ट में थे अब आपके मेन रिजल्ट में ऐड कर दिए गए हैं, मेन रिजल्ट में आपके वो ऐड कर दिए गए हैं। और आपको जो रिजल्ट जारी हुआ था 4 नवंबर 2022 को, उनमें से जो मेन रिजल्ट में कुछ स्टूडेंट थे उनमें से जो 7 स्टूडेंट को बाहर निकाला गया है, ठीक है, 7 स्टूडेंट को डिसक्वालीफाई किया गया है। यहाँ लिखा है रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड, ये आपको दिख रहा होगा, 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डिसक्वालीफाइड किए गए हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो इसको देख लेना आप लोग, अपना रोल नंबर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रोविजनल लिस्ट था, प्रोविजनल लिस्ट में क्या था, प्रोविजनल लिस्ट में पहले 213 स्टूडेंट थे, उनमें से 3 को और ऐड किया गया है, 3 को और ऐड किया गया है, और 3 कौन कौन से आपके रोल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट में ऐड हुए हैं 3 स्टूडेंट और, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट थी, 3 पोस्ट के लिए आपके 11 स्टूडेंट को कंसिडर किया गया था, अब उसमें से 2 और ऐड हो गए हैं। उनमें से जो 2 ऐड हुए हैं उनके रोल नंबर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इनके रोल नंबर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इनमें से जो 2 कैंडिडेट को निकाला भी गया है, ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड, तो ये आपके मेन रिजल्ट से 2 कैंडिडेट को निकाला भी गया है, इनको आप इसको अच्छे से देख लेना। तो अभी क्या करना क्या है, जो नए कैंडिडेट शामिल हुए हैं मेन रिजल्ट के अंतर्गत जिनको अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा इस एड्रेस पर, एक कब तक का डेट है, 30 दिसंबर 2022, 30 दिसंबर 2022 तक इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। एफ आर ए डॉक्यूमेंट यहाँ पास दिए गए हैं, ठीक है, एफ आर ए के डॉक्यूमेंट आपके दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे। अब एक मन में सवाल आता है, सर एक बात बताइए, जो रिजल्ट आपका 4 नवंबर 2022 को जारी हुआ था, अब जो रिवाइज हुआ है 30 नवंबर 2022 को, 30 नवंबर 2022 को, इसके पीछे का रीजन क्या है, उन कैंडिडेट को क्यों शामिल किया गया है और पहले वाले कैंडिडेट को क्यों निकाला गया है। इन्होंने कोई भी तर्क नहीं दिया, सिंपल सा लिखा कि भैया टेक्निकल इरर हो गई थी, टेक्निकल इरर की वजह से ये चीजें हुई हैं। अब इन्होंने न तो रोल नंबर में, न तो इन्होंने मार्क्स मेंशन किए हैं, ना तो ओएमआर शीट है, ना तो कट ऑफ है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली इन्होंने बोला भाई टेक्निकल इरर हो गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, और इस पर हम क्या ही बोलें, अब ये तो होना नहीं चाहिए, गलत है, बट क्या बोले, ठीक है, देख लो इन चीज़ों को। तो आपका जिनका भी हुआ है अभी, ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट आप सेंड कर देना। अब इसके रिगार्डिंग और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो एम पी पी एफ सी ए 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एम पी पी एफ सी ए 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अब 2022 के लिए आपको तैयारी करनी, तो आपके मन में सवाल आएगा, सर इसका तो अभी जो अभी अपडेट आया हुआ है एम पी पी एफ सी का, जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें तो एम पी पी एफ सी ए का नामो निशान नहीं है,
नामो निशान तो नहीं है भैया, लेकिन आपका इलेक्शन 2023 के अंदर होने वाला है, और 2023 में इलेक्शन होगा इसका मतलब है कि 2023 में आपका पेपर भी होगा। 2022 वाला जो पेपर है ना एमपीपीएससी का, वो पेपर होगा, और इसका जो अपडेट है ना आपको दिसंबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और इसका पेपर कब होगा मैं ये भी बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड डेट आपको जून जुलाई में पेपर हो जाएगा, जून जुलाई में पेपर हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए पेपर तो होगा ही होगा, अभी से आप लोग तैयारी करते रहिए, जम के तैयारी करिए इसके लिए, क्योंकि 7 से 8 महीने ढंग से तैयारी करने में टाइम लगता ही लगता है। यही के लिए यदि आप बेसिक से चीज़ें करेंगे तो कम से कम 8 मंथ का टाइम तो लगता ही लगता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी करने के लिए दास सिविल पॉइंट ने भी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है एमपीपीएससी एई के लिए स्पेशली। आप उस बैच के डेमो लेक्चर अवेलेबल हो रहे होंगे, यूट्यूब पर डेली अपलोड होते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर दास सिविल पॉइंट ऐप पर जाकर के फाउंडेशन बैच के डेमो लेक्चर देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वहाँ क्लासेस चल रही है। इस बैच को आप एक्सेस करके कंप्लीट कोर्स को एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। प्रॉपर आपका टेक भी कवर होगा, प्लस नॉन टेक दोनों कवर होंगे, सेम फीस के अंदर टेक प्लस नॉन टेक दोनों कवर होंगे। आप ज्वाइन करने से पहले एक बार डेमो देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कंटेंट किस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी आपके जो नए सब्जेक्ट हैं आपके 2 तारीख से यानी 2 दिसंबर से कुछ नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपके इन्वायरमेंटल भी स्टार्ट हो जाएगा, बीएमसी भी स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म आपका ऑलरेडी रनिंग में है। तो 3 सब्जेक्ट पैरेलल चलने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी 2 साल की रहेगी। कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स को एक्सेस करने के लिए दास सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा, और जो अभी मैंने रिजल्ट के बारे में बताया इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं पीडीएफ को डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।